हेलो एवरीवन, मैं वंदना कुक विथ वंदु में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नारियल की बर्फी बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक दूध गर्म होता है तब तक हम एक दूसरा पैन चढ़ा देंगे। इसमें 250 ग्राम के जितना डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर डाल के और उसे रोस्ट कर देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। नारियल हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी पैन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए गाढ़ा करना है। इस वाले दूध को चेक कर लेते हैं। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। मैंने 1 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी को मिक्स करके और दूध को फाड़ लिया है। थोड़ी थोड़ी देर पर इस पानी को ऐड करेंगे और दूध को लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरीके से फट गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस एक स्ट्रेनर में इसको छान लेंगे। एक बार इसे ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। अब इसे ड्राई होने के लिए कुछ देर साइड में रख देंगे। अब इस वाले दूध को चेक करेंगे। इसे चलाते रहेंगे, हर थोड़ी देर पर इसे चलाते रहेंगे जब तक कि दूध पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। दूध हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 2 कप चीनी ऐड कर देंगे। मैंने आधा किलो चीनी यूज़ किया है।
अब दूध फिर से पतला हो गया है चीनी की वजह से। इसे थोड़ी देर और गाढ़ा करेंगे, उसके बाद जो हमने पनीर निकाल के रखा था उसे अच्छे से मैश करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे, जो कोकोनट हमने रोस्ट करके रखा था। अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। ये ड्राई हो चुका है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उतनी देर में हम अपने बाकी के अरेंजमेंट कर लेते हैं। मैंने कुछ पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं और इसे भी बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये थोड़े से बादाम हैं, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने ऐसे वाले चॉपर का यूज़ किया है, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। एक कोई सा भी ट्रे लेंगे और इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अब सारा बैटर इस ट्रे के अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसे गुलाब, बादाम और पिस्ता से अच्छी तरीके से गार्निश कर देंगे। अब इस स्पैचुला की हेल्प से इन गार्निशिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो गया है, आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके के पीसेस कट कर सकते हैं। इसमें से एक पीस उठाकर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी बर्फी कितनी अच्छी तैयार हुई है।